कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी पूर्वक अपनी परीक्षा का तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप हिंदी में 95 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल आप ला सकते हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि आप भले ही साइंस या फिर मैथमेटिक्स में कितना भी ज़्यादा पढ़ लें, आपको कभी भी इतना ज़्यादा लाने का थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन हिंदी में बहुत आसान है 95 प्लस लाना, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट भी ला सकता है। तो अगर सपोज़ कीजिए आपका आ गया तो कितना आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा रिजल्ट, तो 4 चांद लग जाएगा रिजल्ट में। तो चलिए समझते हैं कि आप कैसे लाइएगा, पूरा तरीके से आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले आप अगर सोच रहे हैं ये असंभव है, तो सबसे पहले सिलेबस को ध्यान दीजिए। आप पहले जाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कितने नंबर का, 50 नंबर का। चलिए लिखते जाते हैं और समझाते जाते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें से सिर्फ आपको 50 करना रहता है, तो 100 में 50। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अब 50 ऑब्जेक्टिव भी आप सही नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करें, इसमें आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो यहाँ आपको पहला सावधानी रखना है, आपको कसम खा लेना है कि एक भी ऑब्जेक्टिव मेरा गलत नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले एग्जाम में जाइए और जो नहीं आ रहा है, जिसमें 1% भी डाउट लग रहा है, उसको स्किप कीजिए, अगले पेपर जाइए। हिंदी के पेपर में टाइम का आपको कोई कमी होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ टाइम बच ही जाएगा आपके हिंदी के पेपर में। तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए गलती। और एक चीज़ और, मान लीजिए चौथा का आंसर बी होगा और आप बी में गोला घसने वाले जा ही रहे हैं, मतलब घसने के लिए, कि अचानक से आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा और अगले क्वेश्चन के बी में आप कर दीजिएगा, ये मिस्टेक भी होता है। तो कभी भी लीजिए, जैसे 12 का होगा बी, तो जब तक बी को घस ना ले तब तक अपना नज़र क्वेश्चन पेपर से नहीं उठाइएगा, इस सब चक्कर में भी 1-2 मार्क्स चले जाता है, तो ये नहीं करना है। अब चलिए आपका 50 मार्क्स आ गया, इस तरीके से बहुत ही आसान है। ग्रामर और व्याकरण, थोड़ा बहुत ग्रामर आपको आता ही रहता है, यानी व्याकरण और किताब तो आप पढ़े ही हैं, कहानी वगैरह, तो ये 50 नंबर आप ले आइएगा। अब चलिए सब्जेक्टिव को कैसे करना है। दस प्लस दस 20 नंबर कोई भी ले आएगा अगर उसको लिखना आ रहा है, क्योंकि 10 नंबर का 2 गद्यांश आता है, गद्यांश ऊपर में पढ़िए, क्वेश्चन आंसर रहेगा उसी में से छाँट के लिखना रहता है। तो गद्यांश पढ़ने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले गद्यांश नहीं पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सभी का सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद गद्यांश पढ़िए और पहले ही सोच लीजिए इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, पूरा प्लानिंग दिमाग में पहले ही कर लीजिए, उसके बाद गद्यांश लिखना शुरू कीजिए। और स्पेलिंग वहाँ गलती नहीं कीजिएगा, जितना भी संभव हो स्पेलिंग आपको गद्यांश से ही है, और अपने मन से की का ये सब जोड़ना रहता है तो वो आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ आपको 20 में 20 लाना है, बिल्कुल आ जाएगा। हैंडराइटिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर के शुरू में ही आपको गद्यांश करना होता है, तो क्योंकि वैसे भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा तो हैंडराइटिंग आपका अच्छा ही रहेगा। अब चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब चलिए 50 में क्या जुड़ गया, 20 नंबर और जुड़ गया, तो 70 आ गया। अब बच गया 30 मार्क्स, 30 नंबर में आप क्या रहेगा, 10 10 10। 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर, 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर आएगा और इसमें भी आप छोड़ सकते हैं अच्छा खासा, मुझे लगता है आधा रहता है और आधा बनाना रहता है। तो अगर आप कहानी कविता पढ़े होंगे तो उसका क्वेश्चन आंसर याद किए होंगे तो वो तो कर ही लीजिएगा, आप पूरा साल पढ़े हैं कुछ ना कुछ हिंदी में पढ़े ही होंगे। और अगला 10 नंबर रहता है आपका, ये हो जाएगा निबंध, 10 नंबर का निबंध हो गया। और फिर 10 नंबर का क्या होता है, लॉन्ग आंसर, यानी जो दीर्घ उत्तर ये रहता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ लिख देना होगा। अब ध्यान से एक बात को और समझिए, कुछ लोग हिंदी व्याकरण के पीछे परेशान रहते हैं कि हिंदी व्याकरण को क्या करना है, तो हिंदी व्याकरण आता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव में और आपको पता ही है 50 छोड़ना है 50 बनाना है। अगर कोई बच्चा व्याकरण कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी कितना आएगा व्याकरण से क्वेश्चन, 50 का 50 आएगा, तो भी आप 50 छोड़िए 50 बनाइए। तो इतना समझ लीजिए कि व्याकरण भी आपको दिक्कत नहीं करेगा, तो थोड़ा बहुत व्याकरण से बना दीजिएगा, थोड़ा बहुत इससे बना दीजिए, 50 तो बन ही जाएगा आपसे, तो इस बात का खास ध्यान रखिए। ये बिल्कुल आप ही का चैनल है और आप ही के लिए वीडियो अपलोड होता है, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।